सो लेट्स डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव कैसे डिफाइन करेंगे? अ वेव इन विच डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम ट्रैवल्स इन द गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूसली विदाउट डैम्पिंग और विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव. यानी कोई भी ऐसा वेव जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी हमने जो डिस्टर्बेंस के थ्रू जो वेव प्रोड्यूस किया है, जब भी कोई भी चीज़, जैसे मैंने वाटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वापस जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है मेरा, उसके वजह से मुझे यहाँ पे वेव देखने मिलेगा. यानी एनर्जी मेरा डिस्टर्बेंस की वजह से ट्रैवल कर रहा है. ये जो भी मीडियम है उसमें कंटिन्यूअसली ट्रैवल करेगा इन अ गिवन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाएगा और इसमें कोई डैम्पिंग और ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने नहीं मिलेगा. जैसे कि मैंने पहले बोला, सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्रोग्रेसिव वेव इज द वेव जो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन में मूव करता जाएगा. जैसे ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा, क्योंकि आगे हम स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे. स्टेशनरी वेव इज द काइंड ऑफ वेव जो आगे बढ़ता ही नहीं. इमेजिन अ वेव विच डज नॉट मूव, उसी जगह पे आपको एक ही जगह पे वेव रुका हुआ मिलेगा. जैसे इस नाम सजेस्ट कर रहे हैं स्टेशनरी वेव, तो बाद में कंपैरिजन भी करेंगे दोनों का. प्रोग्रेसिव वेव इज द वेव विच कंटिन्यूसली प्रोग्रेस इन अ गिवन डायरेक्शन. सिंपल. सो देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, कुछ उनमें से लूंगा मैं. जैसे एक मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वाटर का डिस्टर्बेंस जो हमने लिया, सी वेव्स हो गया आपका, साउंड वेव प्रोग्रेसिव वेव होता है. ठीक है, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स. आगे मैकेनिकल वेव्स वगैरह भी देखेंगे. सो वेव से क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग तरीके के, बट इस चैप्टर में मोस्टली विल बी गोइंग थ्रू ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, जो कि हमारा सबसे बेस है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन वही होता है. नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव वेव, जस्ट बिकॉज आगे हम स्टेशनरी पढ़ने वाले तो हमको कंपेयर करना ईजी पड़े. सो दिस इज प्रोग्रेसिव वेव. अभी एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं.